22 जुलाई सन 2003 को अमेरिका के 300 से 400 फौजी इराक के शहर मौसूर के एक घर पे हमला करते हैं। उस घर में कुल 4 लोग थे और ये अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे, जिसमें सद्दाम हुसैन के 2 बेटे, एक गार्ड और 14 साल का एक बच्चा भी था। ये बच्चा सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। उन लोगों ने जब इतनी बड़ी फौज देखी तो लड़ने का फैसला किया। काफी देर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही और इस गोलीबारी में उन 4 लोगों में से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो 3 लोग उस घर में सबसे बड़े थे। अब उस घर में सिर्फ एक 14 साल का बच्चा बचा था। इस जगह पे अगर कोई और बच्चा होता तो वो खौफ से ही मर जाता, लेकिन मुस्तफा हुसैन ने कई घंटों तक अमेरिकी फौजी से मुकाबला जारी रखा। उसकी बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन फौजी को ये लगा ही नहीं कि हम एक 14 साल के बच्चे से लड़ रहे हैं। उन्हें अभी भी ये लग रहा था कि वहां पर अभी भी 4 लोग मौजूद हैं। जब उन्हें लगा कि हम ऐसे नहीं जीत सकते तो उन्होंने टैंकर की मदद से पूरे घर को ही उड़ा दिया और उस 14 साल के बहादुर बच्चे को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और यारो, मुस्तफा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा भी कहा जाता है।